हाय फ्रेंड्स तो रिसेंटली आई बॉट अ न्यू पाउच क्योंकि मैं मेरा पुराने पाउच से बहुत ज्यादा बोर हो गई थी तो इसलिए मैंने सोचा कि एक नया वाला खरीद लेते हैं एंड बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स करे वॉट इन में पाउच एंड एंड ऑल तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो हम भी कर लेते हैं पिंक पाउच जो की बहुत ही ज्यादा फरीस है एंड इसमें बहुत ज्यादा स्पेस है तो मैं इसमें मेरा पेन पाउच एंड ऑल यूज कर सकती हूँ और इसके अंदर निकला ये स्पंज क्योंकि ये इसको मोटा मोटा रखने के लिए यूज होता है और ये पेंटिंग में बहुत यूज आएगा तो इसलिए मैं वो खुश होकर वो स्पंज रख दी एंड ये है पाउच तो चलो अभी इसके अंदर हम चीजें भरना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हम लोग डालेंगे ये पेन जो इंक्लूड करता है दो ब्लैक पेन दो ब्लू पेन और एक प्यारा क्यूट सा ग्रीन पेन तो चलो इनको जल्दी जल्दी रख के एक व्हाइटनर भी रख देता है व्हाइटनर हम यूज नहीं करते बट फिर भी मैं रखूंगी टेपलर भी रखेंगे पता नहीं क्यों लेकिन हम रखेंगे हमारे फ्रंट पॉकेट में और हम लोग रखेंगे एक लिप बाम क्योंकि विंटर है एंड लिप बाम की ज़रूरत होती है तो इसलिए हम रखेंगे फ्रंट पॉकेट में एक लिप बाम एक स्केल इन केस ज़रूरत हो चलो चलो पहले जल्दी से पेंसिल मैं शार्प कर लेती हूँ और फिर उसी शार्पनर को अंदर रख देती हूँ एंड इरेजर को भी एंड पेंसिल को भी तो मेरे पास ये पिंक इरेजर था और ये पेंसिल था तो इसको रख दिया एंड आई बिलीव मेरे पास ये दो बॉटल्स मुझे गुड लक के लिए अच्छा लगता है इसलिए मैं रख लेती हूँ ये जो दो क्यूट क्यूट से बॉटल्स एंड मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता और कुछ हमको चाहिए इस पाउच के अंदर मैं जितना भी भरूँ ना ये पाउच पूरा मोटा हो ही नहीं रहा था मतलब इसलिए मुझे ज़्यादा स्पेसेस वाले पाउच अच्छे लगते ताकि मैं मेरे ये सारी चीज़ें भर सकूँ एंड आई रियली होप आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा एंड एंड अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय अरे रे रे एक सेकेंड कल से तो स्कूल छुट्टी है नहीं